नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। काफी सालों पहले की बात है, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तिरंगा। इस फिल्म में नाना पाटेकर और राजकुमार साहब का लीड रोल था। इसी फिल्म में राजकुमार साहब पर फिल्माया गया एक शानदार डायलॉग था जो हमें काफी पसंद है, और वो डायलॉग कुछ इस तरह से है, जानी ये कमांडो है, पत्ते के हिलने से पहले पेड़ काट डालते हैं। ये डायलॉग शायद आपने भी सुना ही होगा, मगर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG कमांडो की आती है तो यकीन मानिए उनकी चीते जैसी फुर्ती आपको हैरान कर देगी। जिस तरह से जंगल में चीते जैसे कोई नहीं, तो ठीक उसी तरह युद्ध के मैदान में NSG के सामने कोई नहीं टिकता। और आज हम उसी NSG कमांडो की बात करेंगे। NSG कमांडो की ट्रेनिंग और कुछ ऐसी खासियतों के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर और जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। NSG देश की उन 9 स्पेशल फोर्सेस में से एक है जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। NSG का नाम आज देश के हर आदमी की जुबान पर है। NSG कमांडो को एक मशीन की तरह अचूक निशाना लगाने में माहिर माना जाता है, लेकिन एक कमांडो बनता कैसे है और NSG का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों से देश की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखना होता है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले NSG की स्थापना साल 1984 में हुई। उस वक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकी हमलों को रोकने के मद्देनजर स्पेशल फोर्स की आवश्यकता महसूस की गई और इस तरह NSG की स्थापना की गई। जर्मनी की GSG-9 की तर्ज पर NSG का गठन किया गया। GSG-9 दुनिया भर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स मानी जाती है। NSG की भी आज कुछ ऐसी ही साख बन चुकी है। बीते कई सालों में NSG ने कई ऐसे बेहतरीन काम किए हैं जो इस फोर्स की साख, विश्वास, निष्ठा को आगे बढ़ाते हैं। NSG की ड्रेस का रंग काला होता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। NSG का युद्ध घोष है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। वर्तमान में सुदीप लकचकिया इसके महानिदेशक हैं। कमांडो की ट्रेनिंग के लिए NSG को 26 पैमानों पर खरा उतरना होता है। कमांडो की शुरुआती ट्रेनिंग 3 महीने होती है। इस ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद एक कमांडो को अगले 9 महीनों तक एक और कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। कूदने और छलांग लगाने से लेकर अचूक निशाना लगाने जैसे कई अभ्यासों से होकर ये ट्रेनिंग खत्म होती है, और जो लोग पास करते हैं वो अगले राउंड में पहुंचते हैं। अगले राउंड की ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें लगभग 50-70% कमांडो बाहर निकल जाते हैं जो मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाते, उसे NSG में शामिल नहीं किया जाता। NSG कमांडो को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सिर पर निशाना लगाने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि पहले दुश्मन के सिर से होती हुई गोली दूसरे दुश्मन को भी अपनी जद में ले सके। NSG कमांडो के अचूक निशाने का प्रशिक्षण तब और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब निशाने के ठीक बराबर में उनके किसी दूसरे साथी को खड़ा कर दिया जाता है, और वो भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के। हद से ज्यादा दबाव की स्थिति में भी सटीक निशाना लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। एक दूसरे पर अटूट विश्वास ही इन कमांडो का सबसे बड़ा हथियार होता है। अलर्ट स्टेटस के दौरान एक NSG कमांडो महज 2 महीने में तकरीबन 14,000 राउंड तक फायर करता है। अलर्ट स्टेटस के एक हफ्ते में ही एक कमांडो इतने राउंड फायर कर लेता है जितने कि उसने अपनी सेना में बिताए समय में भी नहीं किए होंगे। उनकी अचूक प्रतिक्रिया पर खास ध्यान दिया जाता है जिससे वो दुश्मन को पलक झपकते ही ऊपर पहुंचा सके। NSG में रहने के नियमों में से एक नियम ये भी है कि कमांडो का स्ट्राइक रेट यानी सटीक निशाने का औसत 85% से कम ना हो। अगर सीधे तौर पर कहें तो लक्ष्य पर 100 में से 85 निशाने लगाना एक कमांडो के लिए न्यूनतम मापदंड है, और जो इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता उसे NSG में शामिल नहीं किया जाता। NSG कमांडो को 2 समूहों में बांटा जाता है, एक एक्शन ग्रुप, दूसरा स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप में 54% सेना के जवान शामिल किए जाते हैं और बाकी NSG कमांडो को केंद्रीय पुलिस संगठन CRPF, BSF और ITBP और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साझा कार्रवाई के लिए रखा जाता है। कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान अच्छे व्यवहार की भी सीख दी जाती है। इन कमांडोज पर सीनियर्स हर वक्त नजर रखते हैं। किसी तरह के अनुशासन में कमी पाए जाने पर फटकार भी लगाई जाती है। यहाँ पर एक और बात बताते चले कि NSG का मुख्यालय हरियाणा के मानेसर में है, और उनकी खूबियां तो बहुत है, लेकिन एक खूबी इनकी यहाँ पर आपको बता देते हैं।
26/11 मुंबई हमलों के बाद एनएसजी कमांडो का दूसरे शहरों में भी सेंटर खोलने की जरूरत महसूस की गई। फिलहाल दिल्ली के अलावा कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई में एनएसजी के सेंटर बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन के लिए एनएसजी क्या है और देश की सुरक्षा के लिए एनएसजी क्या कर सकते हैं। अब हम बताते हैं पाकिस्तान के बैट कमांडो के बारे में, जो भारतीय एनएसजी कमांडो से कितना अलग है और भारतीय कमांडो बैट पर कितना भारी है, ये तो बैट की क्षमता से आप जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं पाक के बैट कमांडो की कहानी। कहानी शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पहले ही सीमा पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बैट कमांडो के 5 जवानों को मार गिराया था। उसके बाद भारतीय आर्मी ने कहा कि पाक सेना अपने जवानों की लाशें लेकर जाए और पाक सेना ने ऐसा ही किया। तभी से सभी लोग जानने लगे कि पाक के पास बैट कमांडो भी है। तो आज हम पाक के बैट कमांडो की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि क्या एनएसजी पर भारी पड़ेंगे या एनएसजी अपनी ताकत से बैट की हवा निकाल देगी। पाकिस्तान सेना की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को सबसे अधिक खूंखार माना जाता है। इसकी वजह यह है कि ये टुकड़ी जवानों के शवों को क्षत विक्षत करने के लिए बदनाम है। ऐसा करते हुए वो क्रूरता की सभी सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ये टुकड़ी भारतीय सेना के जवानों के सिर काटने जैसी क्रूर हरकत भी कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी बैट टीम ने नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें 2 बैट जवान मारे गए थे। अक्टूबर 2018 में भी इस तरह की कोशिश में इस टुकड़ी के 2 जवानों को ढेर किया गया था। फरवरी 2018 में भी इस तरह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए थे, जबकि सेना की वर्दी पहने एक आतंकी को मार गिराया गया था। इस टुकड़ी का गठन पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के तहत किया गया था। इसके सदस्यों को पाकिस्तान सेना के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स भी ट्रेनिंग देती है। घुसपैठ या भारतीय चौकियों पर हमला करने के दौरान इस टुकड़ी के सदस्य ज्यादातर पाकिस्तान सेना के आम फौजी ड्रेस ही पहनते हैं। इसकी वजह बैट कमांडो के तौर पर अपनी पहचान छिपाना होता है। इस टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडो के साथ ही साथ आतंकवादी भी शामिल होते हैं। ये टीम छापामार युद्ध में भी पारंगत होती है और स्पेशल ग्रुप के साथ काम करती है। इस टुकड़ी का काम जितना संभव हो भारतीय सीमा के अंदर हमलों को अंजाम देना होता है। इस टीम में आतंकियों की मौजूदगी की एक वजह यह भी है कि किनारे मारे जाने या पकड़े जाने की स्थिति में पाकिस्तान आसानी से कह सकता है कि ये उनके जवान नहीं है। इनका दूसरा काम आतंकियों को सुरक्षित घुसपैठ कराने के लिए उन्हें कवर फायर देना भी होता है। इस टुकड़ी में शामिल हर जवान और आतंकी को सेना की तरफ से 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कड़ी चुनौतियों से निपटने की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इस टुकड़ी के पास हथियार भी अन्य टुकड़ियों के मुकाबले काफी अत्याधुनिक होते हैं। समय को देखते हुए इन्हें जरूरी उपकरण भी दिए जाते हैं, जैसे सर्दियों में इन्हें ऑपरेशन के दौरान ठंड से बचाने वाले कपड़े, जूते और अन्य सामान दिया जाता है। इस टुकड़ी के सभी सदस्यों के पास हाई एनर्जी फूड होता है और सेना से संपर्क के लिए टुकड़ी सैटेलाइट फोन का उपयोग करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक है, लेकिन एनएसजी इनकी बाप है। क्योंकि एनएसजी की ट्रेनिंग जिसके बारे में हम बता चुके हैं, उस ट्रेनिंग के सामने ये टिकते ही नहीं है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि एनएसजी बैट कमांडो की बाप है।